रियल लाइफ के हीरो आखिर रियल लाइफ में कैसे विलन बन गए? सलमान को क्यों मिल रही है सुधर जाने की धमकी? एक ओर टाइगर बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर उसी टाइगर की बोलती बंद है। जो सलमान के लिए हॉल में सीटियां बजा रहे थे, अब वही लोग सलमान को गालियां दे रहे हैं। लोग सिर्फ सलमान ही नहीं, शिल्पा शेट्टी के भी खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। देश भर में दोनों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। दरअसल टाइगर जिंदा है के प्रमोशन को लेकर एक टीवी शो के दौरान सलमान और शिल्पा शेट्टी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। सलमान खान ने अपने डांस टैलेंट की तुलना के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं शिल्पा शेट्टी ने भी अपने घर पर वो कैसी दिखती हैं, ये बताने के लिए उसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सलमान शिल्पा की बातों को अपमानजनक बताते हुए वाल्मीकि समाज ने दोनों के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज कराया है। इंडिया न्यूज वायरल के व्हाट्सएप नंबर पर भी ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग शिल्पा सलमान को लेकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में वाल्मीकि समाज के लोगों में कितना आक्रोश है। हंगामा बढ़ता देख शिल्पा शेट्टी ने फौरन ट्वीट कर और इंस्टाग्राम पर एक मैसेज पोस्ट कर अपनी बातों से लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी भी मांगी। शिल्पा शेट्टी ने तो फौरन माफी मांग ली, लेकिन सलमान की चुप्पी लोगों की नाराजगी बढ़ा रही है। देश भर में सलमान के खिलाफ लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ऐसा लगता है अगर सलमान खान ने जल्द माफी नहीं मांगी तो वो फिर से कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंस सकते हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।